एक बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे के हिस्से के फोर्थ फ्लोर के एक छोटे से रूम में मैं किराए से रहती हूँ। बिल्डिंग के आगे शहर की मेन रोड है और पीछे से एक पतली सी गली जाती है, जो कि है तो पक्की सड़क, पर बनवाने के बाद से शायद किसी ने उसकी कभी मरम्मत नहीं करवाई, इसलिए उसमें काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। लेकिन उस सड़क की 2-4 लाइट्स अभी भी ठीक ठाक जलती थी। उन्हीं लाइट्स के पास सड़क किनारे कुछ गरीबों ने अपनी झुग्गी झोपड़ी बना रखी थी, जिनके झोपड़ी में तो लाइट्स नहीं जलती थी, पर वो स्ट्रीट लाइट से अपना काम चला लेते थे। हमारे बिल्डिंग के बाहर जाने का सिर्फ एक ही गेट है, जो कि मेन रोड की तरफ खुलता है। मेरा ज़्यादातर समय रूम में ही बीतता था, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं था। और जब भी मैं सप्ताह में एक आध बार बाहर निकलती तो मेरे पड़ोसी पूरे शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभाते थे, एक भी कसर नहीं छोड़ते थे मुझे सुनाने में कि मैं घमंडी हूँ, किसी से बात नहीं करती, इंसान की ज़िंदगी अकेले थोड़े ही कटती है, कम से कम उसे पड़ोसियों से तो ढंग का ताल्लुक रखना चाहिए, ना जाने कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा भी क्या रखी है रूम में जो कभी बाहर ही नहीं निकलती, पागल है आदि आदि आदि। और लोग बोले भी क्यों ना, मैं कौतूहल का विषय तो थी ही। पूरी बिल्डिंग के लोग मेन रोड से काम पे जाते थे और मैं पूरे बिल्डिंग का एक चक्कर लगा के पीछे वाली गली से होते हुए जाती थी। उस गली से गुजरना मुझे सुकून देता था और कारण थे उस गली में बसने वाले गरीबों के छोटे छोटे बच्चे। मुझे उन बच्चों से बातें करना, उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो जितने मासूम थे उतने ही शैतान भी, पर होशियारी तो उनमें कूट कूट के भरी थी। वो कभी सड़क पे कदम नहीं रख सकते थे, कभी अगर दो दोस्त सड़क के इधर उधर रह गए तो रो रो के पूरा मोहल्ला हिला देते थे, पर बिना किसी बड़े की सहायता से रोड क्रॉस नहीं कर सकते। जाते वक्त हमेशा मुझे वो अपनी डिमांड्स बताते थे और मेरे लौटने तक मेरा इंतज़ार करते हैं, और मेरे आने के बाद चिल्ला चिल्ला के मुझे तंग कर लेते, मेरी टॉफी, मेरी गुड़िया, मेरी बॉल, मेरी बिस्किट्स, मेरा ये, मेरा वो, ना जाने और क्या क्या। एक दिन की बात है, उन सब ने मुझसे वेलोंस मंगाए थे, मैं सबके लिए गिन के ही लाई थी, पर रूबी के लिए एक बैलून कम पड़ गया। मैं उसे अगले बार देने का वादा कर अपने रूम आ गई। हर रोज की तरह शाम और रात के 20 के वक्त में, जब इंसान बिना लाइट के कुछ देख नहीं सकता, मैं पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर अपने चाय का प्याला लेकर रेलिंग पे खड़ी हो गई। वो क्या है ना कि शायर हूँ, इसलिए दुनिया से नज़र मिलाने की आदत नहीं है। बस अंधेरे में रह के दुनिया को रोशन होते हुए देखना सुकून देता है। एक हाथ में कप और एक में वैलून पकड़ के बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। वही रूबी का वैलून जो शायद किसी कॉपी में दब गया था और मुझे बाद में मिला। सारे बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे एक दूसरे के वैलून्स फोड़ रहे थे और खुद के बचा रहे थे। रूबी थोड़ी किनारे खड़ी हुई थी, कुछ बोल रही थी खुद में ही। मेरी बिल्डिंग काफ़ी दूर थी, इसलिए उनकी बातें मुझे सुनाई तो नहीं दिया करती थी, पर मैं नज़रों से उन्हें भाप लेती थी। रूबी शायद मन ही मन यही सोच रही थी कि आज सबके बैलून फूट जाएंगे, फिर कल मैं अकेले सबको चिढ़ाऊंगी। उसके चेहरे की चिंता और खुशी उसका हाल बयां कर रही थी। ऐसा कई बार होता था जब बच्चे खेल में शैतानी या चीटिंग करते और मैं अगले दिन उन्हें बताकर हंसती तो हैरान रह जाते कि मुझे कैसे पता चल जाता है। तब मैं उनसे कहती कि इस लाइट्स में मैंने कैमरे फिट कर रखे हैं। उस वक्त मैं रूबी को देख के मुस्कुरा ही रही थी कि अचानक से लाइट चली गई। दुनिया के लिए अंधेरा हो गया था, पर मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रही थी। सब शांत हो गए, कुछ ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। तभी मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली, एक हाथ से कप गिर के टूट गया, दूसरे से वैलून छूट के आसमान में उड़ गया, और उसी के साथ रूबी की आत्मा भी, उसकी शरीर छोड़ आसमान में कहीं गायब हो गई।
मेरे पड़ोसियों को पहली बार मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए, मैं फिर भी रेलिंग में सहमी खड़ी थी और गली में दर्द भरी चीखों की किलकारियां गूंज रही थी। कुछ देर पहले का दृश्य ये था कि उस अंधेरे में एक बाइक बिना हेडलाइट की बहुत तेजी से गली से गुजरी, पर गड्ढे से उछल के वो सीधे रूबी से जा टकराई। पुलिस आई, कार्रवाई भी हुई, पर रूबी को न्याय नहीं मिला। वो कौन था कोई नहीं जानता, और पुलिस सबूत ढूंढ नहीं पाई, या ढूंढ के भी गायब कर गई पता नहीं। पर अदालत तो सिर्फ सबूत मांगती है। बच्चे मुझसे मेरे कैमरे में सबूत ढूंढने को कहते हैं और मैं निस्तब्ध हो जाती हूँ। केस बंद कर दिया गया यह कह के कि अंधेरे में रोड क्रॉस करने की वजह से ये हादसा हुआ, पर उस हादसे ने एक हंसता खेलता मोहल्ला तबाह कर दिया। बच्चे अब शाम होते ही झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। मेरे रेलिंग में सिर्फ लाइट चलती है और मेरी चीख बसती है। ना जाने रूबी जैसे और कितने बच्चों की बलि चढ़ेगी ऐसी सड़कों पे। जवाब शायद अगला हादसा ही होगा। जवाब शायद अगला हादसा ही होगा।